सभी विद्यार्थियों को एवं उनके साथ उपस्थित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल हूं, प्राध्यापक भौतिक शास्त्र अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से। तो आज इस वर्चुअल कक्षा में हम एक एमएससी के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसको हम माइक्रोवेव डिवाइसेस का नाम दिया है। और विशेषकर जो एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये जो डिवाइसेस हैं ये बड़े काम की हैं। और इस माइक्रोवेव डिवाइसेस के टॉपिक के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे टनल डायोड क्या होता है, गन डायोड क्या होता है, कि किस तरह से काम करते हैं, इनके उपयोग क्या है, इनके कंपेरिजन्स क्या है, वो हम देखेंगे। बाद में इम्पैक्ट डायोड, ट्रैपड डायोड और पिन डायोड, इनके बारे में भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन जो मेजर इन सारे डायोड्स को, इन सारे डिवाइसेस को अगर हम एक कैटेगरी में रखना चाहें तो हम इनको माइक्रोवेव डिवाइसेस कह सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप देखिए कि ये जो ओपनिंग स्लाइड है, जो वेलकम स्लाइड है, इसी के ऊपर आपको स्क्रीन पे तीन इमेजेस दिखाई दे रही हैं, और ये इमेजेस वो हैं जिनके बारे में हम लोग आगे की स्लाइड्स में चर्चा करेंगे, है ना। तो जैसे यहाँ पे टनल डायोड दिख रहा है, गन डायोड दिख रहा है, गन डायोड का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रहा है, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपनी कॉपी पेन निकाल के रख लें सामने, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीजें मिलती हैं उनको आप लिखें, और बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनके ऊपर जवाब मैं आपसे बाद में लूंगा, मतलब लेक्चर समाप्त होने के बाद में, नहीं तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है जिससे अपनी क्लास डिस्टर्ब होगी। तो चलिए, चूंकि हम लोग माइक्रोवेव डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो माइक्रोवेव के लिए काम करती हैं, मतलब या माइक्रोवेव के ऊपर काम करने वाली डिवाइसेस, मतलब युक्तियां, तो माइक्रोवेव्स क्या होती हैं, है ना, सूक्ष्म तरंगें क्या होती हैं, इनको हिंदी में सूक्ष्म तरंगें बोलती हैं, तो माइक्रोवेव्स क्या है। तो माइक्रोवेव, जैसे आप लोग जानते हो कि आजकल घरों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में अपन माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, है ना। तो जो ओवन होता है, माइक्रोवेव ओवन, जिसमें अपन चीजों को गर्म कर लेते हैं, वो लगभग कई लोग घरों में भी यूज करते हैं, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मार्केट में यूज किए जाते हैं। तो माइक्रोवेव बहुत अनकॉमन नाम नहीं है। फिर आपने कई जगह सुना होगा कि कहीं पहाड़ी पे माइक्रोवेव एंटेना लगा हुआ है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो रहा है। माइक्रोवेव इज अ वेरी कॉमन वर्ड। सो व्हाट आर माइक्रोवेव्स, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो माइक्रोवेव जो है ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, है ना। यहां से आप अपने नोट्स लेना शुरू करेंगे कि माइक्रोवेव्स क्या है। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि रेडियो वेव्स होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, एक्सरेज होती हैं, है ना, वैसे ही ये जो है दे आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड माइक्रोवेव्स, माइक्रो शब्द जो होता है ना बच्चों, वो नॉर्मली बहुत छोटी चीजों के लिए यूज किया जाता है ना। माइक्रो मतलब माइक्रोवेव्स मतलब ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ कम है, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो माइक्रोवेव्स का एक फंडामेंटल डेफिनेशन ये होगी कि दे आर हैविंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज, जो कि नॉर्मली माइक्रोवेव्स जो होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 1 गीगाहर्ट्ज से इनकी वैल्यू शुरू होती है, एंड दैट गोज अप टू 300 गीगाहर्ट्ज, है ना। मतलब आपको पता है कि मिली मतलब जो आपका मल्टीप्लीकेशन है, जैसे किलो होता है, किलो मतलब 10^3, है ना, या फिर 10^6, 10^9, तो जो गीगा है दैट इज 10^9 होता है। तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक की जो वेव्स हैं, दे आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स, और इसीलिए इनकी जो वेवलेंथ है ये भी 30 सेंटीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक इनकी वेवलेंथ हो सकती है ना। दीज आर कॉल्ड माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, दैट इज दे आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हम कह सकते हैं। माइक्रोवेव्स के जो बैंड्स होते हैं, है ना, मतलब जैसे आपको पता चल रहा है कि अभी मैंने आपसे कहा कि 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, है ना, तो ये बहुत बड़ा बैंड है, बहुत ही लार्ज बैंड है फ्रीक्वेंसी इसका, माइक्रोवेव्स का। तो टेक्निकली इनको यूज करने के लिए हम इस बड़े माइक्रोवेव बैंड को भी छोटे छोटे बैंड्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड दे आर नोन एज एल बैंड, एस बैंड, सी, एक्स, के यू, के ए, क्यू, यू, वी, ई, डब्ल्यू, एफ, डी, ये डिफरेंट माइक्रोवेव बैंड्स होते हैं जिनकी अलग अलग रेंजेस होती हैं। तो ये आपको लिखना चाहिए, है ना, ये बैंड्स की रेंज आपको अपनी कॉपी में लिखना चाहिए, ये आपको परीक्षा के हिसाब से और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है।
तो जो एल बैंड में माइक्रोवेव्स होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज 1 से लेके 2 गीगाहर्ट्ज तक की होती है, और जो एस बैंड है वो 2 से लेके 4 गीगाहर्ट्ज तक का, सी बैंड 4 से लेके 8 गीगाहर्ट्ज तक का, और एक्स बैंड 8 से लेके 10 गीगाहर्ट्ज तक का, के यू 12 से 18 गीगाहर्ट्ज, के बैंड 18 से 26.5 गीगाहर्ट्ज। ये जो पांच बैंड, ये जो 6 बैंड्स हैं, एल एस सी एक्स के यू एंड के, ये मेन बैंड्स हैं। मतलब ये बहुत ही कॉमनली इनका उपयोग किया जाता है, जबकि जो थोड़े कम यूज होने वाले बैंड्स हैं उनमें के ए बैंड है जो कि 26.5 गीगाहर्ट्ज से लेके 40 गीगाहर्ट्ज तक के होती हैं, क्यू बैंड 30 से 50, यू बैंड 40 से 60, वी बैंड 50 से 75, ई बैंड 60 से लेके 90 तक है ना, और जो डब्ल्यू बैंड है दैट इज 75 to 110 गीगाहर्ट्ज, एफ बैंड रेंजेस फ्रॉम 90 to 140, एंड डी बैंड फ्रॉम 110 to 170। तो ये एक क्लासिफिकेशन है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स का। तो कभी अगर आपसे, जैसे आप ये याद रखें, सी बैंड बहुत कॉमन है, जैसे है ना, जैसे 4 से 8 गीगाहर्ट्ज तक का जो बैंड है, दिस बैंड इज वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये बैंड्स अपने को याद रखने पड़ेंगे। तो आप ऊपर वाले जो 6 बैंड्स हैं इनको तो नाम और वैल्यू के साथ याद रखिए है ना, ये क्योंकि अपने को बहुत काम आएंगे। तो आप देखेंगे कि जो माइक्रोवेव्स हैं, असेंशियली दे आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, दे आर रेंजिंग इन गीगाहर्ट्ज। मतलब 1 गीगाहर्ट्ज से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ तो हमने केवल 170 तक बताया, लेकिन इवन 300 गीगाहर्ट्ज तक भी माइक्रोवेव्स हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं, जो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, अगर इनको हमको जनरेट करना हो लेबोरेटरी में तो हम कैसे जनरेट करेंगे? तो बच्चों, आप लोगों ने ऑसिलेटर्स पढ़े हैं है ना, दोलित्र पढ़े हैं ना, जैसे ऑसिलेटर्स आपने पढ़ा होगा। कौन से ऑसिलेटर्स पढ़े होंगे आपने? हार्टले ऑसिलेटर पढ़ा है, कॉलपिट ऑसिलेटर पढ़ा है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पढ़ा है, वीन ब्रिज ऑसिलेटर पढ़ा, ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर पढ़ा, और क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़े। तो आपने कई तरह के ऑसिलेटर्स पढ़े होंगे बीएससी क्लासेस में या कहीं पे भी। तो ऑसिलेटर्स क्या होते हैं? ऑसिलेटर्स वो डिवाइसेस होती हैं, वो उपकरण होते हैं जो डीसी को किसी भी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की एसी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब ऑसिलेटर्स आर डीसी टू एसी कन्वर्टर्स है ना। मतलब ऑसिलेटर्स को हम इनपुट पावर डीसी देंगे और वो हमको एसी आउटपुट में दे देगा ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, एंड दैट फ्रीक्वेंसी कैन बी चेंज्ड और इट विल रिमेन कांस्टेंट, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑसिलेटर। तो नेचुरली अगर हम नॉर्मल ऑसिलेटर्स देखें, हार्टले ऑसिलेटर है, कॉलपिट ऑसिलेटर है, तो इनसे हम माइक्रोवेव जितनी हायर फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट नहीं कर सकते, गीगाहर्ट्ज वगैरह में हम नहीं जा पाएंगे। तो माइक्रोवेव्स को जनरेट करना साधारण डायोड की सहायता से, साधारण ट्रांजिस्टर की सहायता से, या सिंपल ऑसिलेटर्स की सहायता से पॉसिबल नहीं है। तो हम कैसे जनरेट करेंगे? तो माइक्रोवेव्स को, मतलब कि बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं माइक्रोवेव्स, उनको जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं। ये लिखिए आप अपनी कॉपी में, माइक्रोवेव्स कैन बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग 2 टाइप्स, बाय द फॉलोइंग 2 मेथड्स। तो माइक्रोवेव्स को जनरेट करने के लिए बच्चों कुछ ट्यूब्स होती हैं, जिनको कि माइक्रोवेव ट्यूब्स कहा जाता है, और ये जो नलिकाएं हैं, ये जो ट्यूब है, इनमें सबसे कॉमन होती है क्लिस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन है ना। ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये माइक्रोवेव्स को जनरेट करने के काम में आती है। और जो डायोड सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो सेमीकंडक्टर डायोड्स होते हैं, जो जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनमें टनल डायोड होता है, गन डायोड होता है, इम्पैक्ट होता है, वैरेक्टर डायोड होता है, पिन डायोड होता है, LSA होते हैं, शॉर्ट की बैरियर डायोड होता है, और एक यहाँ नहीं लिखा दिख रहा है, दैट इज ट्रैपेट, TRAPAT, वो भी हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो बच्चों 2 कैटेगरीज हैं, माइक्रोवेव को जनरेट करने के लिए कुछ ट्यूब्स हो सकती हैं और कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो सकती हैं। तो ट्यूब्स जो होती हैं, दे आर वेरी गुड सोर्सेज ऑफ माइक्रोवेव्स, बट दे आर वेरी ह्यूज, दे आर वेरी बिग, दे आर वेरी बल्की। मतलब आप अगर मैग्नेट्रॉन का कंस्ट्रक्शन देखोगे या क्लिस्ट्रॉन का कंस्ट्रक्शन देखोगे, तो दे आर ह्यूज डिवाइसेस, काफी बड़े डिवाइसेस होते हैं, और उनको मेंटेन करना, चलाना, उनको यूज करना, कंस्ट्रक्ट करना, काफी सारी चीजें महंगी होती हैं। जबकि उन्हीं की बजाय अगर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करें, डायोड्स यूज करें, तो हमारे पास ये सारे हैं, टनल डायोड है, गन डायोड है, इम्पैक्ट है,
ट्रैपैट है ना, ये सारे डिवाइसेस जो लिस्ट पे दिख रहे हैं ये सारे हमारे पास है। तो बच्चों दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपसे मैं कहूं कि आप मैग्नेट्रॉन अपनी लैब में बना के आप उससे माइक्रोवेव बनाओ तो आप कभी नहीं कर सकते, साधारण लैब में अपन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको टनल डायोड दे दिया जाए या गन डायोड दे दिया जाए और कहा जाए कि माइक्रोवेव बनाइए, हम बना सकते हैं, है ना। तो ये फायदा है, ये फायदा है। माइक्रोवेव्स को अगर हमें अपनी लैब में जनरेट करना हो तो हम ये सेमीकंडक्टर डायोड्स की सहायता से उनको उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव ट्यूब्स जो होती हैं, ट्यूब के बारे में मैं एक स्लाइड आपको केवल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि हम लोग आज ट्यूब की स्टडी नहीं करेंगे, है ना। तो जिसकी स्टडी नहीं करने वाले हैं, जिसके ऊपर ध्यान नहीं देने वाले हैं, उसको पहले थोड़ा सा हम चर्चा करके छोड़ देते हैं। क्योंकि क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, ये भी आप अपने कोर्स में पढ़ेंगे, या तो आपने पहले कभी पढ़ा होगा या आगे किसी यूनिट में पढ़ेंगे, तो वो फिर वहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो जो ट्यूब्स होती हैं, भाई आप ये कह सकते हो कि सर माइक्रोवेव तो आप ट्यूब से भी जनरेट कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर से भी जनरेट कर सकते हैं, तो कौन सा बेहतर है। तो अगर हम हाई पावर और हाई फ्रीक्वेंसी दोनों कॉम्बिनेशन अगर हमें चाहिए, मतलब हमको जो पावर मिले वो भी वाट और किलो वाट में मिले माइक्रोवेव्स की, और फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा मिले, तो इनके लिए फिर माइक्रोवेव ट्यूब्स का कोई ऑप्शन नहीं है। माइक्रोवेव ट्यूब्स आर दी बेस्ट ऑप्शन फॉर जनरेटिंग माइक्रोवेव्स विथ हाई पावर एज वेल एज हाई फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन, ठीक है। एंड जो ट्यूब्स होती है ना, ये जैसे क्लिस्ट्रॉन है या मैग्नेट्रॉन है या रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन है, ये ट्यूब्स हैं, है ना। इनकी सहायता से जो हम माइक्रोवेव जनरेट करते हैं तो इनसे अपन बहुत ज्यादा पावर माइक्रोवेव की जनरेट कर सकते हैं बहुत सस्ते में, है ना। तो अगर हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस या सेमीकंडक्टर डायोड्स की तुलना अगर हम करें तो देखो, पहला कंस्ट्रक्शन ट्यूब्स का बहुत महंगा पड़ेगा। पहली बार अगर आप मैग्नेट्रॉन बना रहे हो, क्लिस्ट्रॉन बना रहे हो, तो काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन एक बार जब बन जाएगा ना तो उनसे हमको जो आउटपुट मिलेगा वो काफी सस्ती कीमत पे मिलेगा। जबकि सेमीकंडक्टर डायोड्स में ऐसा नहीं है, इसमें आपको जो इनपुट लगेगा, पावर लगेगा, एज वेल एज जो मनी कॉस्ट, मैन पावर, सारी चीजें लगेंगी, वो थोड़ी सी ज्यादा होंगी, ठीक है। कन्वेंशनल ट्यूब्स जो होती हैं, जैसे कन्वेंशनल मतलब जो पारंपरिक चली आ रही है, जैसे कि क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, है ना, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि इनका कैपेसिटेंस बहुत लो हो जाए। और लेकिन अगर हमको कैपेसिटेंस लो करना है तो हम फिर जो स्पेशलाइज्ड माइक्रोवेव्स हैं उनको भी, माइक्रोवेव ट्यूब्स जो है उनको भी, उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में हम ट्यूब्स के बारे में डिटेल में नहीं देख रहे, लेकिन बच्चों जैसे मैं देख रहा हूं कि आप लोग काफी सिंसियरली लेक्चर सुन रहे हो, जैसे कि मुझे ये बच्चे दिख रहे हैं गर्ल्स कॉलेज विदिशा से, या पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से, या दतिया से, है ना, रायसेन से, और भी कई जगह से बच्चे दिख रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। तो आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हो बेटा, मुझे इसलिए मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि मैं आप लोगों को आपके साथ आज गन डायोड, टनल डायोड की चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन जब आप घर जाएंगे कभी फ्री टाइम में आप इन ट्यूब्स के बारे में भी पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपनी मेन चीज के बारे में, क्लिस्ट्रॉन के बारे में चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते, हम अपनी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जिससे मैंने अभी आपके सामने कहा। तो प्लीज ये चीजें नोट कीजिए अपनी कॉपी में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं टनल डायोड। सबसे पहले टनल डायोड जो होता है ये क्वांटम मैकेनिक टनलिंग के सिद्धांत पर काम करता है। टनल डायोड एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो क्वांटम मैकेनिक टनलिंग के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये क्या होती है, कैसे होती है, ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। जो गन डायोड होते हैं, गन डायोड जो होते हैं दे वर्क ऑन दी ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। मतलब गन डायोड जो होता है वो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। इफेक्ट होता है और ट्रैपेट होता है, जो मेनली हम ये दो पढ़ेंगे, लिस्ट में कई सारे हैं लेकिन हम उतने नहीं पढ़ पाएंगे आज। तो एम्पेट और ट्रैपेट जो होता है ये एवलांच ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। वैरेक्टर डायोड जो है ये पैरामीट्रिक डिवाइस होती है। पिन डायोड जो होता है ये स्टेप रिकवरी डायोड होता है। और एक शॉर्ट की बैरियर डायोड होता है, जिसका नाम ही काफी है कि ये शॉर्ट की बैरियर के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। तो ये मेन चीज है। तो बच्चों आज की कक्षा में हम दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, एक तो है टनल डायोड और दूसरा है गन डायोड, ठीक है। तो लेट अस बिगिन विथ द फर्स्ट
हीरो ऑफ आवर दिस टुडेज एपिसोड है ना, एंड दैट इज व्हाट टनल डायोड. टनल डायोड बच्चों, इसको इसाकी डायोड भी कहा जाता है, क्योंकि टनल डायोड को बनाने के पीछे जो वैज्ञानिक थे वो लियो इसाकी नाम के वैज्ञानिक थे, और इसका आविष्कार अगस्त 1957 में किया गया था. ठीक है, तो अगस्त 1957 में लियो इसाकी, यूरेको कुरोसे एंड तकाशी सुजुकी नाम के जो तीन वैज्ञानिक थे, बेसिकली जापानीज थे, इन्होंने टोक्यो सुशिन कोग्यो जो कंपनी है, जिसको कि आजकल हम सोनी के नाम से जानते हैं, उसमें इस डायोड का पहली बार आविष्कार किया था. तो चलिए, इतनी ज्यादा हिस्ट्री बहुत जरूरी नहीं याद रखना, लेकिन इसाकी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, है ना. इसाकी इसलिए क्योंकि आगे चल के इसाकी को के नाम को नोबेल प्राइज भी मिला था, और इसाकी के नाम से ये डायोड काफी प्रसिद्ध हो गया. टनल डायोड को इसाकी डायोड भी कहा जाता है, और इसका संकेत आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. ठीक है, तो जैसे ऑर्डिनरी डायोड होता है वैसा ही एक एनोड ट्रायंगल से बनाया है, और कैथोड सीधी लाइन बनाई है, और उसके आगे ऐसा लगा के उसको टी जैसा बना दिया है. मतलब आप अगर देखें इसको, अगर अपन ऐसा वर्टिकल अप कर लेंगे तो ये टी जैसा दिखेगा हमको, टी के नीचे जैसे ट्रायंगल लगा हो. तो ये याद रखिएगा बेटा कि ऑर्डिनरी डायोड में ऐसा टी नहीं बनता है, लेकिन टनल डायोड में ऐसा टी बनता है. ठीक है, एंड इसको इसाकी डायोड भी कहा जाता है. तो ये टनल डायोड जो होता है, ये क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट जो है, टनलिंग इफेक्ट जो है, उसके सिद्धांत पे काम करता है, और इसमें निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पाया जाता है. बल्कि आपको मैं ये बता दूं पहले से ही कि ना केवल टनल डायोड में, बल्कि गन डायोड में और बाकी सारी डिवाइसेस जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज की डेट में, उन सभी में निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन पाया जाएगा, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोवेव डिवाइसेस. मतलब निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनेगा, जो अभिलाक्षणिक वक्र बनेगा, उसमें टनल डायोड में भी निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलेगा, गन डायोड में भी हमको निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मिलेगा. तो हालांकि आपके जहन में एक सवाल आ गया होगा अभी तक कि नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसका जवाब देखते हैं हम अभी अगले स्लाइड में अपन चलते हैं. तो बच्चों, टनल डायोड के बारे में पहले कुछ चीजें अपनी कॉपी में आप नोट करो. ठीक है, देखो एक चीज आप ये समझ लो कि जो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड होता है वो सिलिकॉन का भी बनता है, जर्मेनियम का भी बनता है. टनल डायोड भी जो है आप वैसे बेसिकली जर्मेनियम का बनाया जाता है टनल डायोड, बट यू कैन मेक इट ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, और सिलिकॉन के भी बना सकते हैं. लेकिन अगर फर्स्ट मटेरियल हमसे कोई पूछे कि टनल डायोड काहे से बनेगा, तो साहब जर्मेनियम से बनेगा, है ना. लेकिन ऐसा नहीं कि सिलिकॉन से नहीं बन सकता या गैलियम आर्सेनाइड से नहीं बन सकता, है ना. लेकिन जो पहली चॉइस है टनल डायोड के निर्माण की, वो है जर्मेनियम की. तो जर्मेनियम हमको पता है कि जर्मेनियम जो होता है इसका बैरियर पोटेंशियल कितना होता है. जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है, है ना. और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, ये आप लोग जानते हैं. मैं ये तो बेसिक चीजें हैं. और जो जर्मेनियम का एनर्जी बैंड गैप है वो कितना होता है, ऊर्जा अंतराल जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. जर्मेनियम का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि सिलिकॉन का एनर्जी बैंड गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर भी ज्यादा है, मतलब बैरियर जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करने वाला बैरियर है सिलिकॉन के केस में वो क्या है, 0.7 वोल्ट है, जबकि जर्मेनियम के केस में केवल 0.3 वोल्ट है. तो जैसे ही 0.3 वोल्ट देंगे जर्मेनियम डायोड कंडक्ट करने लगता है, जबकि सिलिकॉन को कंडक्ट कराने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट हमको फॉरवर्ड बायस में देना जरूरी होता है, है ना. ये बात क्यों ध्यान रखनी है बच्चों अपने को, क्योंकि हम इन डायोड्स का उपयोग माइक्रोवेव्स के ऑपरेशन में करने वाले हैं, माइक्रोवेव ऑसिलेटर बनाने में, माइक्रोवेव का एम्पलीफायर बनाने में. माइक्रोवेव्स मतलब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स. तो उतनी हाई फ्रीक्वेंसी पे अगर हमको डायोड से स्विचिंग करानी है, ऑन ऑफ कराना है, तो नेचुरली हमको पोटेंशियल बैरियर कम से कम रखना पड़ेगा, ताकि इतना ही वोल्टेज देने से तुरंत वो काम करना चालू कर दे, है ना. इसलिए हम जर्मेनियम को प्रिफर करते हैं. ये भी एक क्वेश्चन हो गया जो कभी वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है, या आप परीक्षा में लिख भी सकते हो. ठीक है, तो जो ऑर्डिनरी डायोड होता है, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ना, ऑर्डिनरी डायोड, आपको पता है पी टाइप मतलब क्या,
सेमीकंडक्टर में जब पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो पी टाइप बनता है, और जब सेमीकंडक्टर में हम पीरियोडिक टेबल की फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो बच्चों एन टाइप बनता है ना। तो जैसे पी टाइप आपको बनाना है तो आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ क्या मिलाओगे? आप इंडियम मिला सकते हो, गैलियम मिला सकते हो, है ना, बोरॉन मिला सकते हो, जो थर्ड ग्रुप की जो इम्प्योरिटी एलिमेंट्स हैं वो आप मिला सकते हो। तो आप गैलियम और इंडियम लेके चलिए। एन टाइप कैसे बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, एन टाइप एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ ग्रुप से कोई एलिमेंट मिलाएंगे। मतलब जैसे कि आर्सेनिक मिला देंगे या फास्फोरस मिला देंगे या एंटीमनी मिला देंगे, है ना, ये फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड अगर हम बनाते हैं, सामान्य अशुद्धि जो इसमें मिलाई है, हमने इम्प्योरिटी जो मिलाई है वो सामान्य है, तो इट इज एन ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। पर अगर पीएन बनाने के लिए हमने जो इम्प्योरिटी मिलाई है वो साधारण डायोड की तुलना में लगभग 100 गुना ज्यादा मिला दी जाए तो फिर क्या बनता है? जेनर डायोड बनता है। तो जेनर डायोड में जो इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है वो साधारण डायोड की तुलना में लगभग 100 गुना होता है, जबकि जो टनल डायोड है, टनल डायोड में इम्प्योरिटी की जो कंसंट्रेशन है वो साधारण की तुलना में लगभग 1000 गुना ज्यादा होती है। तो ये कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन आप याद रखिएगा कि साधारण डायोड की इम्प्योरिटी से अगर 100 गुना ज्यादा कर देंगे लगभग तो जेनर डायोड, और अगर 1000 गुना ज्यादा कर देंगे लगभग तो टनल डायोड। तो दे आर वेरी हैवीली डोप्ड डायोड। तो जो पहली लाइन लिखी है ना कि टनल डायोड्स हैव ए हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन दैट इज अबाउट 100 नैनोमीटर वाइड। 100 नैनोमीटर मतलब 10 नैनोमीटर मतलब 100 एंगस्ट्रॉम, नैनो मतलब 10^-9, 10 एंगस्ट्रॉम 10^-10। ऑलराइट, तो जो इम्प्योरिटी जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं बच्चों, वैसे वैसे जो डिप्लीशन लेयर थिकनेस है वो अपनी चेंज होती जाती है ना। तो ये जो हैवी डोपिंग हम करते हैं, देखो इसी में पूरा खेल है, टनलिंग का इफेक्ट पूरा हैवी डोपिंग में ही है बेटा, है ना। तो जो हैवी, देखिए आपको पता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में दो एनर्जी बैंड्स होते हैं, जानते हैं ना, नीचे वाला बैंड जो होता है वो वैलेंस बैंड होता है और ऊपर वाला बैंड जो है वो कंडक्शन बैंड होता है ना, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सेमीकंडक्टर में जो नीचे वाला बैंड है उसमें, उसको वैलेंस बैंड कहा जाता है, संयोजी बैंड कहा जाता है, उसके ऊपर वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है और वर्जित ऊर्जा अंतराल के ऊपर फिर आपका कंडक्शन बैंड होता है, चालन बैंड होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है उसकी ऊर्जा कम है और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है उसकी ऊर्जा अधिक है। ये भी एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, है ना, कंडक्शन बैंड मतलब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड मतलब लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जो हैवी डोपिंग जब हम करते हैं इस तरह की टनल डायोड में, लगभग 1000 गुना ज्यादा हमने डोपिंग की है, तो इससे जो बैंड गैप मिलता है ना, जैसे मैंने कहा वैलेंस बैंड, फिर बैंड गैप और फिर कंडक्शन बैंड, तो जो बैंड गैप है बीच वाला ये ब्रोकन रहता है, ये टूटा हुआ रहता है। एंड जो 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 एन साइड का जो मटेरियल है ना, उसमें जो, चूंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी होल्स की होती है, ठीक है। तो बच्चों जब हम इतनी ज्यादा डोपिंग कर लेते हैं तो जो पी साइड की जो वैलेंस बैंड स्टेट्स हैं वो एन साइड की कंडक्शन बैंड स्टेट्स के लगभग लगभग सामने आ जाती, मोर और लेस दे स्टार्ट कोइंसाइडिंग। देखो ये बहुत बड़ी बात है, नहीं तो क्या होता है कि वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है, फिर एनर्जी बैंड गैप होता है और फिर कंडक्शन बैंड होता है, मतलब वैलेंस बैंड नीचे होता है कंडक्शन बैंड ऊपर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाना होता है तो हमको उनके डिफरेंस की एनर्जी उसको देनी पड़ती, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से टूटकर वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा। लेकिन यहां टनलिंग इफेक्ट में बात अलग हो गई, इसमें क्या हो गया कि जो पी टाइप का जो मटेरियल है डायोड का, वहां की वैलेंस बैंड स्टेट्स, एनर्जी स्टेट्स एन साइड का जो कंडक्शन बैंड की एनर्जी स्टेट से कोइंसाइड कर रही है, मैच कर रही है। तो क्या होगा, जब
भाई इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है ना भाई। इलेक्ट्रॉन तो चाहेगा कि वो कंडक्शन बैंड में जाए और सर्किट में फ्लो हो जाए। तो इट इज वेरी इजीली पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू रीच फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप बिकॉज ऑफ दी मैचिंग एनर्जी बैंड्स। और अगर एनर्जी बैंड ऊपर नीचे होते जैसे कि ऑर्डनरी मटेरियल में होते हैं तो फिर उतनी एनर्जी हमको देनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सीधे टनल कर जाएंगे। मतलब आप ये सोचिए कि जैसे अगर आपको कोई एक पहाड़ आपके सामने आ जाए है ना, और आप सड़क पे चले जा रहे हो और आपसे बोला जाए कि साहब ये पहाड़ के उस तरफ आपको पहुंचना है, तो आपके शरीर में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आप पहाड़ को चढ़ सको और पहाड़ को उतर सको। तो जब तक उतनी एनर्जी नहीं होगी आप पहाड़ को क्रॉस नहीं करोगे। लेकिन अगर टनल मिल जाए आपको, अगर आपको एक सुरंग मिल जाए, अगर आपको एक बोगदा मिल जाए, जैसे आप लोगों ने ट्रेन में देखा हो, देखा होगा कि जब पहाड़ आता है तो रेलवे वालों ने उसके अंदर एक सुरंग बना दी गई होती है, तो आप उस सुरंग से सीधे से निकल जाओगे, आपको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। तो वो कहलाता है टनल इफेक्ट। टनल मतलब सुरंग। तो टनल डायोड को कभी कभी हिंदी में सुरंग डायोड भी कहा जाता है। तो टनल डायोड नाम इसलिए नहीं पड़ा है कि कोई टनल नाम के वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, वो तो इसाकी ने बनाया था और इसाकी के नाम से इसको इसाकी डायोड कहा जाता है। तो टनल डायोड क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें बहुत हैवी डोपिंग के कारण पी साइड मटेरियल की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टेट्स हैं वो एन साइड मटेरियल की कंडक्शन इलेक्ट्रॉन स्टेट से कोइंसाइड कर जाती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जरा सा वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रॉन पी साइड से एन साइड की मतलब वो जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ मूव आपके कर जाते हैं है ना। तो दिस हैपन्स इन दी टनलिंग इफेक्ट, ठीक है। एंड जो टनल डायोड है दे कैन बी यूज्ड एज ऑसिलेटर्स एंड एम्पलीफायर्स, और दे कैन बी यूज एज स्विचिंग एलिमेंट्स, ऑन ऑफ तेजी से करने वाले है ना, तो उनके लिए भी टनल डायोड का उपयोग किया जाता है। एंड इनका उपयोग फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स बनाने में एंड डिटेक्टर्स बनाने में भी किया जा सकता है ना। एंड चूंकि इनका कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, टनल डायोड का कैपेसिटेंस बहुत कम होता है, इसलिए इनका उपयोग हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पे भी कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस अगर ज्यादा होगा तो उसकी तेजी से स्विचिंग नहीं हो पाएगी है ना। लेकिन टनल डायोड में बच्चों एक लिमिटेशन है, एक इसकी सीमा है कि इनका जो आउटपुट पावर रहता है वो बहुत कम होता है ना। टनल डायोड का जो आउटपुट पावर हमको मिलता है वो मिलीवाट्स में होता है, केवल 15-20-25 मिलीवाट होता है। एंड दैट्स व्हाई ये इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ये इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि टनल डायोड्स की पावर बहुत कम होती है, ठीक है। एंड इसीलिए फिर अपन गन डायोड या दूसरे डायोड्स की चर्चा अपन करते हैं। अब देखिए टनल डायोड का हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ेंगे है ना। तो आप देखिए कि टनल डायोड का एक संकेत मैंने आपको टनल डायोड की स्लाइड में दिखाया था, एक और संकेत होता है, एक और सिंबल होता है टनल डायोड का, जो आपको यहाँ पे लेफ्ट में स्क्रीन के लेफ्ट में आपको दिख रहा है, केवल एक ऐसा प्लस बना के उसके ऊपर इस तरह का मटेरियल शो कर देते हैं, देन इट इज नोन एज द सिंबल ऑफ टनल डायोड। और टनल डायोड का जो इक्विवेलेंट सर्किट है ना वो भी आपको दिख रहा है। टनल डायोड के इक्विवेलेंट सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, तीनों दिखाए जाते हैं। टनल डायोड जो होता है उसमें एक सीरीज इंडक्टर बनाया जाता है हाँ, और एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगा होता है, एक रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है जिसको माइनस आर से लिखा है। क्यों? क्योंकि टनल डायोड में निगेटिव रेजिस्टेंस शो होता है, जो मैंने आपको कई बार कहा और अभी मैं समझाऊंगा नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। और एक कैपेसिटेंस होता है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा होता है सीजे। तो दैट इज नोन एज इट्स, इसका जो तुल्य परिपथ है, जो इक्विवेलेंट सर्किट है, वो इस तरह का होता है। ये बना लिया आपने अपनी कॉपी में। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व हम देखेंगे, टनल डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र की वोल्टेज और करंट के बीच में इसमें ग्राफ कैसे मिलेगा है ना। तो बच्चों आप देखिए कि यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व मैंने बनाया है, इसमें मैंने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लिया है, मतलब हम जब टनल डायोड को सर्किट में लगा के फॉरवर्ड बायस में, सर्किट में फॉरवर्ड बायस में लगा के, फॉरवर्ड बायस आपको पता है पी टू पॉजिटिव एंड एन टू नेगेटिव है ना, वो कहलाती है फॉरवर्ड बायस। तो जब हम टनल डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगा के ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाएंगे, तो आप देखिए ओ पॉइंट क्या है, इस ग्राफ का ओरिजिन है। तो ओ पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अगर टनल डायोड पे के ऊपर लगाया गया वोल्टेज शून्य है तो
उससे जाने वाली करंट भी शून्य होगी, है ना। लेकिन जैसे ही हम डायोड के ऊपर लगाया गया फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते हैं ओ से लेके वीपी तक, है ना, पी जो है दैट इज पीक पॉइंट, है ना, इसलिए जो वीपी है मतलब दैट इज पोटेंशियल एट द पीक पॉइंट, है ना। तो ओ से लेके वीपी तक जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट हमारी एकदम तेजी से बढ़ती है ओ से लेके पी तक, है ना, जिसमें पॉइंट ए भी हमको बीच में दिख रहा है। तो ये जो स्पेशल पार्ट है ओ से लेके वीपी तक, ये कैसे आ गया? मतलब अभी जो हमने इसके ऊपर वोल्टेज लगाया है ये हार्डली 0.05 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.12 वोल्ट ऐसा ही होगा, मतलब 0.3 वोल्ट से भी कम है, और फिर भी हमको इतनी हैवी करंट मिल रही है। मतलब आप सोचिए कि भाई बैरियर तो हमने दिया ही नहीं ना, बैरियर पोटेंशियल तो 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम का, तो 0.3 वोल्ट के पहले इसमें फॉरवर्ड करंट कैसे बह गई भाई? ऑर्डिनरी डायोड में तो नहीं बहती है। तो प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है ना, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही लो वोल्टेज जब आपने इसके ऊपर लगाया टनल डायोड के ऊपर 0.05 वोल्ट, 0.06, 0.1, है ना, 0.15, 0.2, इतने में भी एकदम से करंट हमको बहुत हाई मिल गई, है ना, जीरो से ओ से लेके पी तक करंट मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि एक तो आपने टनल डायोड को बनाने में इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा रखी है, ये मैंने आपको शुरू में बताया, लगभग ना कुछ ना बोला जाए तो कम से कम 1000 गुना इम्प्योरिटी है। इतनी ज्यादा इम्प्योरिटी, भाई आपको पता है जितने ज्यादा इम्प्योरिटी आप करोगे उतने ज्यादा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ज्यादा आपके पास होल्स होंगे, ठीक है। तो टनल डायोड में चूंकि इम्प्योरिटी बहुत ज्यादा है तो पहले से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है और फ्री होल्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। और चूंकि टनलिंग क्यों हो रही है मैंने आपको बताया, क्योंकि पी साइड की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस एनर्जी स्टेट्स हैं, और एन साइड की जो कंडक्शन एनर्जी स्टेट्स हैं, ये आपस में मैच कर रही है, दैट इज कॉल्ड टनलिंग। और जैसे ही आपने जरा सा भी वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हो जाएगा, है ना, क्योंकि पी टाइप पे पॉजिटिव है तो एन तरफ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पी तरफ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन से पी की तरफ बहेंगे, तभी तो करंट पी से एन की तरफ बहेगी ना। तो शुरू में कम वोल्टेज लगाने पे ही आपकी टनलिंग चालू हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बिल्कुल एक दूसरे की तरफ आने के लिए तैयार खड़े हैं, बस आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लगाने की देर है, आपने वोल्टेज बस जोड़ने की देर है इसमें, एंड एकदम से इसमें टनलिंग शुरू हो जाएगी। ये टनलिंग कहां से शुरू होगी? आपकी ओ पॉइंट से शुरू होगी, वोल्टेज वीपी तक, वीपी पे आके आपकी करंट मैक्सिमम हो जाएगी, पी पॉइंट पे करंट आईपी है, दैट इज पीक करंट, पीक वोल्टेज पे करंट, पीक करंट आपको मिल रही है। और ये आपको ये जो पूरा पार्ट है ओ से लेके पी तक ग्राफ जो मिल रहा है ये आपको टनलिंग के कारण मिल रहा है। ये आप लिख लें कहीं अपनी कॉपी में कि ओ से लेके पी तक का जो ग्राफ मिल रहा है वो हमको टनलिंग के कारण मिल रहा है। ये जो खरगोन के भी बच्चे आ गए ना बेटा, आप लोग भी अपनी कॉपी पेन निकालो, है ना, पीजी कॉलेज खरगोन, आप लोग लेट आए हो, आप लोग अपनी कॉपी पेन निकालो और नोट्स लेना आप भी शुरू करो, ठीक है, और बाकी तो बच्चे लिख ही रहे। तो चलिए, ओ से लेके पी तक का जो पार्ट है ये हमको टनलिंग के कारण मिला। अब क्या हुआ कि अब हम और वोल्टेज बढ़ाएंगे टनल डायोड के ऊपर, वीपी से आगे वीवी तक, वीपी मतलब पीक वोल्टेज और वीवी मतलब वैली वोल्टेज, तो पी पॉइंट मतलब पीक पॉइंट और वी पॉइंट मतलब वैली पॉइंट। जब हम वीपी से भी आगे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये जो हमारी इलेक्ट्रॉन स्टेट्स की जो मैचिंग थी ये मैचिंग अब डिस्टर्ब होने लगेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे आपकी डिप्लीशन लेयर भी चेंज होती जाएगी, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस चेंज होती जाएगी, और उसके कारण जो आपकी एनर्जी स्टेट्स हैं इनकी जो मैचिंग है वो मैचिंग भी आपकी चेंज होने लगेगी। तो अब क्या होगा कि जो करंट पहले से बहुत ज्यादा बहने लगी थी आईपी, उतनी करंट भी आपकी मैच नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब एनर्जी स्टेट्स मैच नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए अब इनको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता है, जो कि अभी के लो वोल्टेज के कारण नहीं मिल रही है। इसके कारण से आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो वीपी से लेके वीवी तक, लेकिन करंट आपकी घटती चली जाएगी, करंट आपकी पॉइंट पी से घट के पॉइंट वी तक आ जाएगी। देखो ये बड़ी विशेष बात बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, पॉइंट पी से लेके पॉइंट वी तक का जो रेंज है ग्राफ में ध्यान से देखिए, इसमें हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं,
वीपी से लेके वीवी तक वोल्टेज एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, लेकिन करंट हमारी आईपी से लेके आईवी तक घट रही है। तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटेगी, ये तो ओम के नियम का पालन नहीं हुआ। भाई ओम का नियम क्या कहता है, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, सो इफ यू फॉलो दी ओम्स लॉ देन विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज द करंट शुड हैव बीन इंक्रीजिंग। ऑन द अदर हैंड व्हाट वी आर गेटिंग हियर, विथ इंक्रीजिंग वोल्टेज द करंट इज डिक्रीजिंग। दिस इज पॉसिबल ओनली देन इफ वी अज्यूम कि जो ओम का नियम है वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, यहाँ पे हम वी इज इक्वल टू माइनस आर इंटू आई अगर हम मान लें, तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेंज में पीवी रेंज में जो इस डायोड का रेजिस्टेंस है इट इज नेगेटिव। तो तभी क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे लेकिन तभी करंट हमारी कम होती जाएगी, ये तभी संभव है जब रेजिस्टेंस को नेगेटिव माना जाए, तभी ये वैल्यूज आना पॉसिबल है। दैट्स व्हाई ये जो पीवी रीजन है इस ग्राफ का, ओपी रीजन टनलिंग के कारण है, पीवी रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस के कारण है। तो ये पीवी रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि ऑर्डिनरी डायोड में हमको नहीं मिलता। पीवी रीजन को क्या कहा जाता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद करंट घटती है, जो कि ओम के नियम से तभी संभव है। V इज इक्वल टू आर इंटू आई पूरी तरह से नहीं लगेगा, बल्कि V इज इक्वल टू माइनस आर ब्रैकेट में इंटू आई, मतलब व्हेन द रेजिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव देन ओनली वी कैन एक्सप्लेन दिस पीवी रीजन। तो ये कहलाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, जो कि टनल डायोड की खासियत है, जो कि गन डायोड की भी खासियत है। ठीक है, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन मतलब वो क्षेत्र कैरेक्टरिस्टिक कर्व का जिसमें वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद भी करंट घटती है। और अब हम उसके आगे भी, अगर हम वीवी के आगे भी, मतलब वैली वोल्टेज के आगे भी अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं पॉइंट वी से लेके एन तक, तो इट इज अ नेचुरल रीजन जो कि ऑर्डिनरी डायोड में भी मिलता है। जैसे ऑर्डिनरी डायोड में तो ग्राफ कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा ऑर्डिनरी डायोड में ग्राफ आपको ओ से लेके सीधा वी मिलेगा और फिर आपका एन तक बढ़ता चला जाएगा, ये ऑर्डिनरी डायोड का। तो जो पार्ट है आपका वी एन वो तो ऑर्डिनरी नेचुरल डायोड जैसा है, तो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो पार्ट है, एक तो ओपी बिकॉज ऑफ टनलिंग एंड पीवी because of negative resistance region। ठीक है, तो ये negative resistance वाला concept आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर ये concept आपके दिमाग में आ गया तो फिर आप चीजों को अच्छे से explain कर सकते हो। चलिए अब दूसरा एक डायोड होता है गन डायोड, है ना, गन नाम अपन ने सुना है, लेकिन यहाँ पे ये बंदूक वाली गन नहीं है, GUN गन नहीं है, बल्कि GUNN वाला गन है। गन एक्चुअली ये किसी वैज्ञानिक का नाम है, है ना, गन जो है एक वैज्ञानिक का, जे बी गन करके एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने इस डायोड का, उन्होंने इस तरह की डिवाइस का निर्माण किया था, इसलिए उनके नाम के आधार पे इसको गन डायोड कहा जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये गन डायोड जो होता है ये एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल से मिलकर बनता है, मतलब इसमें गैलियम आर्सेनाइड, जैसे आपको पता है गैलियम पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप में पाया जाता है, आर्सेनिक पीरियोडिक टेबल के फिफ्थ ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये गैलियम और आर्सेनिक से मिलके बनता है और इसमें चूंकि आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा होगी इसलिए इसको हम एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड कह रहे हैं। अगर गैलियम की मात्रा ज्यादा कर लेते, चूंकि गैलियम थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है, अगर गैलियम ज्यादा होता तो पी टाइप गैलियम आर्सेनाइड कहलाता है, लेकिन आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है इसलिए हम इसको एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड कहेंगे, तो इससे ये बनेगा। अब आप बोलोगे सर पी टाइप क्यों नहीं लिया आपने गन डायोड को बनाने में, पी टाइप, वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि गन डायोड को बनाने के लिए पी टाइप की आवश्यकता नहीं है, एन और एन प्लस, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर और ऐसा एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें नेगेटिव इंप्योरिटी बहुत ज्यादा है, फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी बहुत ज्यादा है, उसको एन प्लस कहा जाता है। एन और एन प्लस के कॉम्बिनेशन से ही ये डिवाइस बनेगी, इसलिए कई लोग इसको डायोड कहने से झिझकते हैं। वो कहते हैं भाई डायोड तो तब होगा जब एक पी टाइप होगा एन टाइप होगा, तो गन डायोड में पी टाइप मटेरियल का उपयोग होता ही नहीं है, ये आप पहले से अपनी कॉपी में लिख के अंडरलाइन कर लो, ये केवल एन टाइप मटेरियल से बनता है। इसलिए टेक्निकली आप इसको डायोड नहीं भी कहेंगे तो किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। डायोड का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई इलेक्ट्रोड्स, मतलब दो इलेक्ट्रोड, जो डिवाइस जिस डिवाइस में दो इलेक्ट्रोड हो एक एक तरफ से उसको भी आप डायोड कह सकते हो। तो बस इस कारण से इसको डायोड कहते हैं हम, क्योंकि इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं,
है ना, लेकिन पी टाइप और एन टाइप इसमें कोई जंक्शन नहीं होती, ठीक है। तो समटाइम्स कॉल्ड गन डायोड बट हैज नो जंक्शन, इसको डायोड जरूर कहते हैं लेकिन इसमें कोई जंक्शन नहीं होती। और इसमें भी एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होगा जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज्ड वोल्टेज, है ना, इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। पूछूं मैं आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, पांडुरना से कोई खरगोन, विदिशा, किसी को पता हो तो हाथ ऊपर करो भाई, दतिया, रायसेन या अपना पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन बताएगा? तो बच्चों जब किसी कण का मूवमेंट किसी फील्ड के कारण हो रहा हो तो देन इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फील्ड देन इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इफ द चार्ज पार्टिकल इज जस्ट मूविंग, ऐसे ही मूव कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक उदाहरण मैं आपको दे दूं कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए सड़क पे दौड़ते हुए जा रहा है, बस उसका मन हो रहा है दौड़ने का, तो उसका जो वेग निकालोगे ना वो वेग कहलाएगा, वो वेलोसिटी कहलाएगी। लेकिन अगर उसी दौड़ते हुए बच्चे के पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, कोई उसके ऊपर जानवर, उस कुत्ता उसके ऊपर भौंकते हुए उसको अगर दौड़ाना शुरू कर दे, तो वो जो बच्चा दौड़ रहा है वो कुत्ते के भौंकने के इफेक्ट के कारण दौड़ रहा है, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये एक मजेदार मजाक टाइप का उदाहरण है, लेकिन बच्चों इससे आपके दिमाग में याद रहेगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सिंपल यूं ही अपनी ब्राउनियन मोशन कर रहा हो देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी, बट व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड और अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इस गन डायोड के अंदर भी एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो वोल्टेज बढ़ाने के बावजूद घटती है, ठीक है। एंड दिस कॉसेस अ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच इज कॉल्ड अ डोमेन। तो जब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे इकट्ठा होते जाएंगे, एंड दैट पोजिशन, दैट प्लेस इज कॉल्ड अ डोमेन, ठीक है। तो गन डायोड की वर्किंग कैसी है, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है वो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप मेनली मेरे समझाने की बातों को समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर होता है जैसे गैलियम आर्सेनाइड का, देखो एक साधारण जो सेमीकंडक्टर होता है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। मतलब बेसिकली साधारण सेमीकंडक्टर डायोड में दो बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जबकि ये जो गैलियम आर्सेनाइड जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें तीन एनर्जी बैंड्स होते हैं। ये आप नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में कि गन डायोड को बनाने में ऐसे सेमीकंडक्टर्स का उपयोग किया जाता है जिसके अंदर तीन एनर्जी बैंड्स होते हैं। नीचे वाला जो है आपका वो वैलेंस बैंड होता है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड के ऊपर भी एक तीसरा बैंड होता है जो कि और ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट का माना जाएगा। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड हाई एनर्जी कंडक्शन बैंड, ये तीन एनर्जी स्टेट्स होंगे तब जाके आपका गन इफेक्ट होगा, तब जाके आपका ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन स्टेट होगा। तो ये जो तीसरा एनर्जी बैंड होता है इट इज एट ए हायर एनर्जी देन द नॉर्मल कंडक्शन बैंड, और साधारणतः ये जो तीसरा एनर्जी बैंड होता है ना ये खाली रहता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे के हम वहां तक ना पहुंचाए, ठीक है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स को तीसरे बैंड में हमको, भाई इलेक्ट्रॉन नॉर्मली कंडक्शन बैंड में पाया जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो किस बैंड में होता है, कंडक्शन बैंड में होता है। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब हम एनर्जी देंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी, देन इट विल बी प्रमोटेड टू दी थर्ड एनर्जी बैंड, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी देना है ना, दिस कम्स फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बैलिस्टिक इलेक्ट्रॉन्स, जो टकराने वाले इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बैलिस्टिक इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी। एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड बट मूविंग विद सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी सच दैट दे आर एबल टू रीच द थर्ड बैंड। तो नॉर्मली साधारण डिवाइस में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाए जाएंगे, लेकिन गन इफेक्ट में जो ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है इसमें हम स्पेशल एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स को हम साधारण कंडक्शन बैंड से हाई एनर्जी कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, ठीक है। तो जो डिवाइस ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट के ऊपर काम करती है उसका नाम होता है ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस। तो कई किताबों में आपको
गन डायोड का नाम टीईडी भी मिलेगा, टीईडी का फुल फॉर्म ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस, ठीक है। अब आपको एक और चीज याद रखनी बेटा, इफेक्टिव मास। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद है ना, 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, ये इलेक्ट्रॉन का सामान्य द्रव्यमान है, विच इज कॉल्ड रेस्ट मास, है ना। मतलब जो एक स्थिर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका द्रव्यमान इतना होगा, लेकिन जो इफेक्टिव मास होता है, जब इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में जब मूव करता है तो उसका मास चेंज होता है ना, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मास, ठीक है। तो जो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा, थर्ड बैंड में पहुंच जाएगा, तो उसका इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा तो नेचुरली उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, या उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो मोबिलिटी, मोबिलिटी जो मैं अभी आपको समझा रहा था ना, दैट इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी मीन्स द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फील्ड, ठीक है। तो ड्रिफ्ट तो हो रहा है लेकिन ड्यू टू सम फील्ड, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम इसको बनाएंगे, गन डायोड को बनाएंगे, तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड से थर्ड एनर्जी बैंड में पहुंचते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी बैंड में ट्रांसफर होंगे, उनका इफेक्टिव मास जो है वो कम होता जाएगा, मतलब उनका जो बढ़ता जाएगा, उनका जो एक्चुअल प्रभावी द्रव्यमान है वो हायर एनर्जी स्टेट में क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब वो द्रव्यमान बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन स्लोली मोशन करेंगे, तो उनका प्रभाव भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो भारी हो गए, और प्रभाव कम हो जाने के कारण करंट कम हो जाएगी, मतलब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। देखो बच्चों, यहां ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इफेक्ट को ध्यान से समझ लो, बाकी तो मैटर आपको किताबों में मिल जाएगा, लेकिन वर्चुअल कक्षाओं में, कक्षा में अगर ये चीज आपने समझ ली तो आज की कक्षा का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें हाई वोल्टेज लगा के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से हायर एनर्जी बैंड में ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर। तो ट्रांसफर क्यों हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने से हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने से ज्यादा एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन को, और वो कंडक्शन बैंड से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं। लेकिन जब वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं तो वहां पे उनका एनर्जी तो बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ उनका इफेक्टिव मास भी बढ़ रहा है, और इफेक्टिव मास बढ़ने के कारण उनकी जो मोबिलिटी है वो कम हो रही है, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम हो रही है, और उसके कारण उनका प्रवाह भी कम हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी कंडक्शन बैंड में होगा तो वो तेजी से प्रवाहित हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसका इफेक्टिव मास कम है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी बैंड में जाएगा तो उसका प्रवाह कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बढ़ गया है। तो जो भारी चीज होगी वो धीरे से मूव करेगी ना बच्चों, साधारण सी बात है, ठीक है। एंड दिस कॉजेस फॉर द नेगेटिव रेजिस्टेंस, मतलब थर्ड एनर्जी बैंड में जाने के कारण, थर्ड एनर्जी बैंड में ले जाने के लिए हमको वोल्टेज बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन उसके कारण करंट क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वोल्टेज बढ़ना, करंट का कम होना, जैसे मैंने आपको टनलिंग इफेक्ट में समझाया कि ये तभी संभव है जब V इज इक्वल टू माइनस आर इंटू आई मान लिया जाए, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर इंटू आई मानोगे, रेजिस्टेंस को पॉजिटिव मानोगे, तो ओम के नियम का पालन नहीं होगा, तो ओम के नियम का पालन तभी होगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, वोल्टेज बढ़ाने के कारण करंट कम हो रही है, तो ये तभी संभव है जबकि नेगेटिव रेजिस्टेंस को हम मान लिया जाए। तो दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इन द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप। तो बच्चों, टनल इफेक्ट में भी नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, लेकिन वो क्यों है, वो मिस अलाइनमेंट ऑफ एनर्जी स्टेट्स के कारण है। हाई वोल्टेज लगाने के कारण जो जो इलेक्ट्रॉन स्टेट्स पहले मैच कर रही थी वो मिस अलाइन हो रही है, उनका अलाइनमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस था। यहां पे गन डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हाई वोल्टेज को लेके कंडक्शन बैंड से ऊपर एक हायर एनर्जी बैंड में जा रहे हैं, और वहां पे उनका इफेक्टिव मास बढ़ रहा है, जिसके कारण मोबिलिटी कम हो रही है। तो बच्चों, गन डायोड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, आप देखिए कि गन डायोड को बनाने के लिए हम बेसिकली एक, आप ये जो नीचे वाला राइट स्ट्रक्चर है उसको आप देखिए कि इसमें हम एक ने, हमने शुरू में भी एक n प्लस रीजन लिया है, बाद में भी एक n प्लस रीजन लिया, और बीच में हमने एक ऑर्डिनरी n रीजन लिया है,
ठीक है, तो इस तरह से बनता है। और एक जो लेफ्ट साइड में जो हमने यहाँ पे डिवाइस बनाई है, उसमें भी आप देखिए कि पी प्लस रीजन है, बट दैट इज नॉट नीडेड हियर। उसमें अभी आप मत चलिए, अभी अपन उसको नहीं समझ पाएंगे, समय कम है। आप ये वाला बनाइए, नीचे वाला जो दूसरा रीजन है ना, इसको आप बनाइए, के फॉर कैथोड, ए फॉर एनोड। तो कैथोड से अपन ने एक मेटेलिक कॉन्टेक्ट लगा दिया, तो वो एक ग्रे कलर का दिख रहा है, फिर एक वो जो येलो कलर का दिख रहा है, दैट इज एन प्लस रीजन, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ हायर इम्प्योरिटी। बीच में है एन माइनस रीजन, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर विथ लोअर इम्प्योरिटी। फिर है एन प्लस रीजन, मतलब अगेन एन रीजन विथ हायर हायर इम्प्योरिटी। और फिर एक मेटेलिक इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया चौड़ा सा, जो कि हीट सिंक का भी काम करेगा। एक इलेक्ट्रोड तो रहेगा ही रहेगा, हीट सिंक का भी काम करेगा। तो ऐसे बनता है गन डायोड। ठीक है, अब बच्चों इम्पैट जो होता है, अब समय समाप्त हो रहा है, हम नहीं पढ़ पाएंगे इम्पैट के बारे में, लेकिन चलिए मैं आपको एक केवल इसका फुल फॉर्म बता दूं। इम्पैट डायोड का मतलब होता है इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलांश ट्रांजिट टाइम डायोड। एटलीस्ट यू राइट डाउन इट्स फुल फॉर्म, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन एवलांश ट्रांजिट टाइम डायोड। इट इज अ फॉर्म ऑफ हाई पावर सेमीकंडक्टर। देखो, टनल डायोड में जो माइक्रोवेव्स मिलती हैं वो बहुत लो पावर पे मिलती हैं, जबकि गन डायोड में हाई पावर पे मिलेंगी, और इम्पैक्ट में उससे भी ज्यादा पावर पे हम माइक्रोवेव जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो इम्पैक्ट डायोड, दे आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग दी माइक्रोवेव्स विथ वेरी हाई आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वाटेज, वाट पावर, पावर बहुत ज्यादा रहेगी इसमें, एंड 3 to 100 गीगाहर्ट्ज तक अपन इससे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट डायोड का कंस्ट्रक्शन आप देखिए किताबों में आपको मिलेगा कि पी टाइप, फिर एन टाइप, फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप, है ना, इस तरह से मिलता है। और इसमें एवलांश ट्रांजिट के कारण होता है। और जो ट्रैपेट डायोड होता है, ट्रैपेट का फुल फॉर्म होता है ट्रैप्ड प्लाज्मा एवलांश ट्रिगर्ड ट्रांजिट टाइम डायोड, है ना, ट्रांजिट डायोड। तो ट्रैप्ड प्लाज्मा मतलब जिसमें प्लाज्मा की ट्रैपिंग होके, प्लाज्मा को कन्फाइन करके एवलांश होता है, एवलांश ट्रिगर होता है, ऐसे ट्रांजिटिंग डायोड को ट्रैपेड डायोड कहा जाता है। तो और पढ़िएगा बच्चों आप लोग घर में, लेकिन आज की क्लास में मैंने आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एक तो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन क्या होता है, और दूसरा ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट क्या होता है, गन इफेक्ट क्या होता है। गन इफेक्ट के लिए मालूम, ये गन जो थे वैज्ञानिक, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था बच्चों, ठीक है। तो गन इफेक्ट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट इफेक्ट। तो आज की क्लास में हम लोगों ने मेनली, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि हम दो चीजों को पढ़ेंगे, टनल डायोड और गन डायोड, ये दो चीजें आज हम लोगों ने कवर की, ठीक है। और आप लोग घर में जाके पिन डायोड को भी देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरी अगर अगली क्लास होगी तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पिन का मतलब होता है पी टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और फिर एन टाइप, ठीक है ना। तो जैसे चित्र में आपको दिख रहा है, पिन डायोड बनता है पी टाइप एक तरफ, एन टाइप एक तरफ, और बीच में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड का बनता है, और ये भी एक माइक्रोवेव डिवाइस है ना, इसलिए इसको बोलते हैं पिन। पिन मतलब पी टाइप इंट्रिंसिक और एन टाइप पिन डायोड, है ना, ये भी एक माइक्रोवेव डिवाइस है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप कि आप लोग कम से कम दो चीजें आपके दिमाग में अच्छे से एंटर हुई होंगी बच्चों, एक की टनलिंग इफेक्ट क्या होता है और दूसरा गन इफेक्ट क्या होता है और इनके ऊपर ये डायोड कैसे काम करते हैं। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। जैसे मैं बालाघाट में भी देख रहा हूँ कि बच्चे बड़े सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हैं, और आई होप कि आप लोगों ने नोट्स भी लिए होंगे। छिंदवाड़ा में बच्चे बैठे हैं और आप लोगों ने नोट्स लिए होंगे, रामपुरा में है सब, है ना। तो सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कोई एक दो क्वेश्चन हो तो अभी अपन ले सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज द टाइम इज गेटिंग ओवर। ठीक है, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड बच्चों? चलो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मेरी तरफ से आप लोगों को ऑल द बेस्ट, है ना। मैं डॉक्टर प्रगेश कुमार अग्रवाल हूँ, पहले भी मेरी, शायद पता नहीं आप लोगों ने कक्षाएं अटेंड की है कि नहीं की, लेकिन आप लोगों के साथ मुझे आज चर्चा करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं भले ही आपसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा था कि सिंसियरली आप लोग बैठ के पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, सारी चीजों को समझ रहे थे। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, है ना, हैव अ नाइस डे।